नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप राज्यपाल को पत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि राज्यपाल यानी कि अपने जो भी स्टेट के, अपने जो भी राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनको किस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जब भी हम राज्यपाल को पत्र लिखते हैं यानी कि अपने गवर्नर को जब भी लेटर लिखते हैं, तो ये जो लेटर होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये पहला लेटर जो होता है वो होता है प्रार्थना पत्र, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपके एरिया में पार्क होना चाहिए, आपके एरिया में स्कूल होने चाहिए, तो उस चीज़ को लेकर के अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आ जाता है प्रार्थना पत्र में। दूसरा लेटर होता है कि आप राज्यपाल को किसी शिकायत को लेकर के ये पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि आपके एरिया में जल जमाव हो गया है जिसके कारण मलेरिया और डेंगू की बीमारियां हो रही हैं, इस वजह से आप शिकायत कर रहे हैं, तो ये शिकायत पत्र में आता है। तो राज्यपाल को हम दो प्रकार से लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। पहला होता है प्रार्थना पत्र और दूसरा होता है हमारा शिकायत पत्र। आइए जानते हैं कि राज्यपाल को किस प्रकार से पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप राज्यपाल जी को पत्र लिखेंगे, सबसे पहले टॉप में आपको लिखना होता है सेवा में। सेवा में लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे महामहिम राज्यपाल महोदय जी। उसके बाद उनका जो भी कार्यालय होगा उनके कार्यालय का आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपने राज्य का नाम लिखना है। जैसे हमारे राज्य का नाम जो है बिहार है, तो हम यहाँ पे बिहार लिखेंगे। अगर आपके राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन लीव कर देना है, एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका विषय है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। विषय जब भी आप लिखेंगे तो उसको पूरे अच्छे तरीके से ब्रैकेट में आपको लिखना होगा, और आपको यहाँ पे विस्तार से नहीं बताना है, आपको शॉर्ट में बताना है। जैसे कि अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं कि आपके एरिया में एक स्कूल होना चाहिए, तो आप उसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन लीव कर देना है, एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद जैसे अंग्रेज़ी में हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, उसी प्रकार से हिंदी में हम मान्यवर लिखते हैं। तो मान्यवर लिखने के बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ को चेंज करना है और आप लिखेंगे निवेदन यह है कि निम्नलिखित के बारे में समाधान करने की कृपा करें। यहाँ से अब जो है आपका जो मेन बॉडी है एप्लीकेशन का, जो भी आपके पत्र का, वो शुरू होता है। और यहाँ पे आप लिखेंगे निवेदन यह है कि निम्नलिखित के बारे में समाधान करने की कृपा करें। और जो भी आपका टॉपिक होगा, चाहे वो प्रार्थना पत्र हो या शिकायत पत्र हो, वो आपको यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट्स में लिख देना है। यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि आपके एरिया में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, दूसरा पॉइंट होगा कि जल जमाव के कारण मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, तीसरा पॉइंट होगा कि मच्छर के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारी हो रही है जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं, और उसके कारण जो भी चीज़ है उसको आप डिटेल में डिस्क्राइब करके लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन लीव करना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे आपकी अति कृपा होगी, यानी कि जो भी इसका सल्यूशन होगा वो अगर आप करते हैं तो आपकी अति कृपा होगी। दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, शिकायत और प्रार्थना पत्र दोनों के लिए। उसके बाद आज की जो भी तिथि है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे आज मान लेते हैं कि आज 22 जुलाई है, तो हम लिखेंगे 22 जुलाई 2024, ठीक है। उस प्रकार से जो भी दिनांक आज का बना हुआ है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन हम छोड़ेंगे और यहाँ पर बाईं तरफ यानी कि राइट तरफ लिखेंगे प्रार्थी। अगर आप यहाँ पे किसी प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो आप पार्थी लिखेंगे, प्रार्थी लिखेंगे। अगर आप किसी शिकायत को लेकर के इस पत्र को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे शिकायतकर्ता, शिकायतकर्ता। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़कर अपना नाम लिखना है, हस्ताक्षर करना है, अपना पूरा पता लिखना है और अपना पूरा मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, शिकायत पत्र लिख सकते हैं राज्यपाल को। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।